किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, नहीं डरते तेरी कुर्की तों, हम राजस्थान के हैं। यहाँ जमीन यानी जैसे सरदार जी की बुआई कर रहे हैं, पर आपके योगी और खट्टर को बोल देने का तेरी गाड़ी लाके छड़ा मारने के लिए राजस्थान से भी आ गए इधर, खुला खुला यानी बोल देने का, यहाँ तू एक बार गाड़ी लाके दिखा दे इधर। राजस्थान में इतनी सीट दिया था मोदी, अब की बार एक भी सीट आ जाए तो मैं अगरबत्ती की सोगन खा के बोल रहा हूँ, एक सीट नहीं आएगी मोदी की। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, संघर्ष है बड़े लंबे समय तो चल रहा, सरकार टस तो मस नहीं हो रही, पर लोगों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं, की कहना थोड़ा संघर्ष के भविख बारे जी? देखो जी, लोगों के हौसले पहला भी पूरे जज्बातों के नाल लोग संघर्ष वाल तुरे सन। जिहड़ी यह यूपी की घटना वापरी है, योगी सरकार ने, मैं तो कहूँगा भाई परां नूं कर लै फिर तैनूं कुटना पऊगा। जिहड़ी मोदी की सरकार है, भाजपा सरकार है, वो बिल्कुल जालम सरकार का रूप दिखा चुकी है। साढ़े किसानों ने तिने काले कानून करा रद्द कराने वास्ते उत्थे जो शांतमई ढंग का धरना लाया हुआ सी, शाम का टाइम हो चुकिया सी, किसान अपने धरने की समाप्ति करके वापस जा रहे सन। तिना जालम सरकार ने, मैं तो कहांगे चारों की जोड़ी है, मोदी योगी अमित शाह ते खट्टर, इन्हां तिने जालमां ने साजिश के तहत साढ़े किसानां ते गड्डियां चढ़ा के उन्हां नूं शहीद कर दिता, जिहदे विच साढ़े किसान गड्डियां थले आ के बुरी तरह जख्मी होकर शहीद होए ने। सो सारे संसार नूं इस वाक्य ने झंझोड़ के रख दिता है, जिथे पहला भी सरकारां ने साडे जलम साते जुल्म किए ने, मुगलों तो लैके अंग्रेजों तो लैके, पहला अरदास भी सुने कर सन गड्डियां च लताड़े गए, पर अज इस सरकार ने, भाजपा सरकार ने, गंदी सरकार ने बिल्कुल एक गल जग जाहिर कर दिती है कि हाले भी सरकारां दे लोगों के प्रति जो मनसूबा है उही है कि लोगों नूं किदां कुचलिया जाए, उनकी आवाज़ किदां दबाई जाए। सो हुण जुल्म दी हद हो चुकी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी टोल प्लाजा बड़ौदी दे समूह टीम, लोक हित मिशन की समूह टीम पहुंची है मुलापुर बैरियल ते चंडीगढ़ के लागे, जो कि लखीमपुर खीवी जिहड़े साडे किसान वीर शहीद किए ने, इस जो बीजेपी के एक व्यक्ति वालों जो जिम्मेवार व्यक्ति से उसके बेटे वालों शांतमई तरीके दे नाल धरना दे रहे, कालियां झंडियां दिखा रहे थे, उन्होंने उपर पिछों आ के वार किया, उत्थे साढ़े सत अठ किसान शहीद हो गए। उन्होंने संघांजलि देने वास्ते अज असी इत्थे मुलापुर बैरियल ते पहुंचे हैं। कल असी टी पॉइंट माजरे दे सी, उस तो पहला असी अपना टोल प्लाजा बड़ौदी दे सी, अगे जो प्रबंधकों वालों हुक्म होएगा उस हिसाब दे नाल अगे भी असी जब तक इंसाफ नहीं मिलता उदों तक असी लगे रहा। की देखने जी, बहुत लम्मा संघर्ष चल रहा है, सरकार अजे तो टस तो मस नहीं हो रही, तुहाडा संघर्ष भी उसे तरह लगातार जारी है, अगे भविख दे विच किवें तुसी देखदे हो संघर्ष दे बारे, कि इसे तरह चलता रहेगा? गल रविंदर जी यह है भी ये जिहड़ा संघर्ष है ये बहुत सबर नाल जबरदा मुकाबला जिहड़े किसान मजदूर छोटे व्यापारी कर रहे हैं, सरकार का जिन्ना सरकार सबर कर जबर कर रही है उन्ना साढ़े जिहड़े लोग हैं सबर नाल मतलब मुकाबला कर रहे हैं।
ते जिहड़ी ये जिद सरकार ने फड़ी है ये कोई वधिया गल नहीं है। जिहड़ी ये सरकार है ये कोई सरकार नहीं है, ये अडानिया अबानिया की दली सरकार है। जे कोई सरकार होंगी या किसी पार्टी की सरकार होंगी ये बिल्कुल उन्हां लोकां बारे सोचदी जिन्हां ने वोटां पा के इन्हां नूं बनाया गया, पर नहीं ये जिहड़ी सरकार है ये सिर्फ तो सिर्फ कारपोरेटां की सरकार है, उन्हां प्रति ये सोच रही है। सो जिहड़े साडे किसान वीर शहीद किए ने ये जिहड़ी लड़ीवार कैंडल मार्च चल रहा है ये लगातार 3-4 दिन तो चल रहा है, इनू अगे रेगूलर इस तरह अगे पिंड भी इनू वधाया जाऊगा ता जो ये जिहड़ी लोगों च जागरूकता आ सके कि आप अगे वध तो वध दिल्ली बारे भी। मनोवा जी अज कित्थे तुसीं ये जो कैंडल मार्च कर रहे हैं किस मकसद लिए कर रहे हो? ये जरा कैंडल मार्च है जी डे बाय डे जगह बदलवी रखी जाती है, जिमें कल माजरा सी पॉइंट से रखा सी ती पॉइंट से रखा सी, अज इत्थे जिहड़ा मुला प्रवैरियर आ इत्थे जिहड़े समूह नौजवानों नूं नाल लेके संगियां साथियों नाल लेके जिहड़ा कि ये शहीदां नूं श्रद्धांजलि दे तौर पर रखा गया, जदों तक साढ़े यूपी च शहीद होए किसान वीरां नूं इंसाफ नहीं दिंदी योगी सरकार और मोदी सरकार, उस समय तक जिहड़ा कैंडल मार्च जिहड़ा एक शांतिपूर्वक एक विरोध मन्निया जांदा है ये उसका प्रतीक है, इस करके चलता रहूगा। सर जिवें कि नौजवान भी इत्थे हाजिर ने साडे नाल अज ओह भी किसानां दे हक विच सारे ही हर वर्ग जुटिया ये नौजवान भी जुटे ने, की कहना जी तुहाडा जो जुल्म की इंतहा होंदी जा रही है जो किसान अपना हक मंग रहे ने? देखो ये सरकार है जिहड़ी इस टाइम डर चुकी है और लोगों में इस घनौनी हरकतां करके अपना दबदबा कायम करना चाह रही है, क्योंकि लखीमपुर च शांतमई अंदोलन करके वापस जा रहे किसानां ते इन्हां ने शर्मनाक एक कारा किया जो उन्होंने गड्डी चढ़ाई है, सारे किसानां इस टाइम रोह है, पर असीं शांतिपूर्वक इस जुल्म का डट के मुकाबला करांगे, सबर नाल जबर का मुकाबला हो रहा है तो करांगे, बेशक संघर्ष किन्ना लम्मा चले सारे लोगों का सहयोग सारी जनता की भारत की पूरी जनता का बिच बहुत मजबूरियां ने जिहड़े नहीं खुल के बाहर आ सकते बेचारे बीजेपी के डर कह लो कुछ भी कह लो, पर आम नागरिक इस टाइम जाग चुका है और किसान सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं आम लोगों की लड़ाई लड़ रहा है, जिस इस टाइम पूरे भारतवर्ष का साथ साडे नाल है। बेशक गोदी मीडिया इन्हां घटनावां नूं नहीं दिखाता, पर सोशल मीडिया का बहुत धन्यवाद है जो सारे किसानों की आवाज़ जो इत्थे जुल्म हो रहा है इस टाइम बीजेपी सरकार कर रही है जन जन तक पूरे वर्ल्ड से जा रहा है। किसान एकता, किसान एकता।